अस्सलाम वालेकुम ट्रैवल लवर्स, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त शोएब सईद। गाइज़ वेलकम टू योर चैनल ट्रैवल लवर्स, एंड आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। सो गाइज़ आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं आपको ये बता दूँ कि जो लोग गोवा आते हैं और जो प्लान करते हैं कि मतलब स्कूबा डाइविंग ट्रिप के लिए जाने के लिए, ग्रैंड आइलैंड ट्रिप के लिए जाने के लिए, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपको ये बता दूँ। सो मैं आपको ये बता दूँ गाइज़ कि देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि आपका स्कूबा डाइविंग का ट्रिप बहुत ही आसान बना देंगे। जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था, मैं नहीं चाहूँगा जो बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था वो आप किसी के साथ में हो, और आपका जो स्कूबा डाइविंग का ट्रिप है वो बहुत ही आसान रहे। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर ऑप्शंस है कि मतलब आप ऑनलाइन जो है वो स्कूबा डाइविंग बुक कर सकते हो, ट्रिप बुक कर सकते हो, या फिर ऑफलाइन, जैसे कि बीच में काफ़ी सारे एजेंट्स होते हैं या ऑफिसेज, काफ़ी जगहों पर जो है ऑफिसेज वगैरह रहती है जहाँ से आप जो है वो स्कूबा डाइविंग का ट्रिप अपना बुक कर सकते हो। बट मेरी मानिए, मैं कहूँगा ऑनलाइन जो है वो बुकिंग मत करिएगा, ऑफलाइन जो है वो बेटर रहता है। कल को अगर कोई दिक्कत हो तो आप किसी बंदे को पकड़ सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो कि भाई ये दिक्कत क्यों हुई है। सो एक अकाउंटेबिलिटी रहती है ऑफलाइन में, सो दैट इज़ बेटर मेरे हिसाब से। अगर आप ऑफलाइन करते हो सो कोई एजेंट के थ्रू कर सकते हो, सो दैट इज़ बेटर कि मतलब स्कूबा डाइविंग का ट्रिप। अच्छा, स्कूबा डाइविंग में अभी आता क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले स्कूबा डाइविंग आ जाता है, अंडर वाटर स्पोर्ट, उसके बाद में जेट स्की राइड आता है, बनाना राइड आता है, बम्पर राइड आता है, और पैरा सेलिंग आता है। तो ये पांच राइड जो है इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। अब आगे आपको ये बता दूँ कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जब भी आप ये जो बुकिंग करोगे, मतलब कि ऑफलाइन करोगे या ऑनलाइन करोगे, ऑनलाइन करोगे तो डेफिनेटली जो है जो भी पेमेंट करोगे, पार्ट पेमेंट कर सकते हो, फुल पेमेंट भी कर सकते हो। अगर आप कोई एजेंट के थ्रू कर रहे हो तो हाफ पेमेंट भी कर सकते हो या फुल पेमेंट भी कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी या जितना भी आप पेमेंट कर रहे हो तो वो पेमेंट का रिसिप्ट जो है वो ज़रूर रख लीजिएगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, तो भूलिएगा मत रिसिप्ट लेने के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई इसका चार्जेस कितना है, मतलब कि स्कूबा डाइविंग का ये जो टोटल पैकेज होता है उसका चार्जेस कितना है। अब ये जो स्कूबा डाइविंग का टोटल जो पैकेज है, इसका कोई स्टैंडर्ड प्राइस नहीं है यहाँ पर गोवा में। जो लोग हैं एजेंट है या कोई ऑफिसर है, वो अपने अपने हिसाब से जो है वो कस्टमर को देख कर, या फिर जो है कस्टमर के हिसाब से या अपने हिसाब से जो है वो चार्जेस वगैरह लगा देते हैं। 3,500 भी बोलेंगे, 4,000 भी बोलेंगे, 3,000 भी बोलेंगे। सो अपने ऊपर डिपेंड करता है। गाइस गर्मी बहुत है, बहुत पसीना आ रहा है, सो सॉरी फॉर दिस। मैं आपको ये बता दूँ कि मतलब अपने हिसाब से बताएंगे, लेकिन आपको बार्गेन करना है। अगर आप इफ़ यू आर अ गुड बार्गेनर देन डेफिनेटली आपको 2,000 से 2,500 के बीच में भी मिल जाएगा। पर हेड की बात मैं कर रहा हूँ, जो मैं 4,000 या 3,000 बता रहा हूँ ये कपल्स का नहीं है, दो लोगों का नहीं है, पर हेड का बता रहा हूँ। सो जब मैंने बार्गेन किया था तो मुझे 2,500 जो है वो पर हेड मिला था, और ये सारे एक्टिविटीज़ मिले थे, प्लस इसके अंदर जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और जो है आफ्टरनून का लंच वो भी इंक्लूडेड था गाइस। सो 2,500 रुपीज़ में मुझे ये टोटल पैकेज मिला था। हम लोग टोटल 4 लोग थे, सो 10,000 रुपये हमारे बन गए थे गाइस। अब चलिए, मैंने उसको बंदे को क्या हुआ था कि पेमेंट कर दिया था, सॉरी, जैसे कि मैंने बताया जब आप पेमेंट करते हो तो आपको रिसिप्ट जो है वो कंपलसरी आपको रिसिप्ट लेना है। मेरे साथ में क्या दिक्कत हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं यहाँ पर मैंने ट्रिप बुक किया, उसके बाद में मैं सेकेंड डे जब यहाँ पर आया 7 बजे, तो सबसे पहली बात 7 बजे यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस एजेंट से या जिस ऑफिस से आप बात करते हो, बुक करते हो, उसका एक भी बंदा यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा। यहाँ पर कम्प्लीटली जो है डिफरेंट बंदे रहते हैं, जिनके पास में जो एजेंट्स है, जिनके पास जो बुकिंग आप करते हो, वो लोग अपना नाम, आपका नाम वगैरह जो है इन बंदों को देते हैं, और इन बंदों के पास में पूरी एक चेकलिस्ट होती है जिसमें कि वो लोग देखते हैं कितना पेमेंट आपकी तरफ से आया है, पूरा डिटेल्स मतलब जो है आपका एजेंट इनको दे देगा, और ये बंदे जो है यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई आपने कितना पेमेंट किया, आपका नाम पैकेज के लिए है या कोई एक पर्टिकुलर जो है एक्टिविटी के लिए है गाइस। सो आपको ये बता दूँ मैं कि जब आप यहाँ पर बुक करते हो राइड, तो आपके एजेंट को ज़रूर बता दीजिएगा, ज़रूर बोल दीजिएगा कि भाई यहाँ पर जो सिंकेरी में जो जेटी पर जो बंदे हो, तो उनको आपका डिटेल ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। मेरे साथ क्या दिक्कत हुई थी कि जो एजेंट के थ्रू मैंने, जो बागा में एजेंट है उसके थ्रू जो मैंने जो बुकिंग किया था, उस बंदे ने जो है यहाँ पर मेरा नाम और हम लोग टोटल जो 4 लोग हैं उनका नाम जो है वो भेजना भूल गया, या उसने भेजा ही नहीं, या भेजा बट इस बंदे को यहाँ पर जो है बंदा उसको मिला ही नहीं। अब ये बंदा जो यहाँ पर था, जो चेकलिस्ट जिसके पास थी, उसके पास में मेरा नाम ही नहीं था, हम 4 लोगों का नाम नहीं था। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब कितनी दिक्कत हुई है हम लोगों को। ये बंदा जो यहाँ पर जटी पर था वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था
कि हमें जो है वो ट्रिप पर ले जाएगा। उसने बोला सर आपका नाम यहाँ पर है ही नहीं तो मैं आपको ट्रिप पर लेकर ही नहीं जा सकता हूँ। सो हम लोग बहुत मतलब परेशान हो गए थे, एक घंटा मतलब हम लोग उसके पीछे घूमे यहाँ वहाँ, बोले कि आप कुछ रिक्वेस्ट की उसको कि कुछ एडजस्ट करो यार, हमने तो पैसा भी भरा है, हमारे पास रिसिप्ट भी है, हमने उसको रिसिप्ट भी दिखाया, बट देन टू वो मानने को तैयार नहीं था। आपने भले से पैसा भरा है लेकिन आपका नाम यहाँ पर नहीं है तो मैं आपको ट्रिप पर नहीं लेके जा सकता हूँ। मतलब पैसा भरने के बाद में भी अगर मेरा नाम यहाँ पर नहीं है तो मुझे ट्रिप पर वो बंदा अलाउ ही नहीं कर रहा था। तो बहुत मैंने मतलब फ़ोन किया, बट जो एजेंट था वो मेरा बहुत ही मतलब हेल्पफुल था, उसने काफ़ी टाइम इसको फ़ोन किया यहाँ पर इस बंदे को कि भाई इन्होंने पैसा भी भरा और मैंने आपको फॉरवर्ड भी किया है नाम, बट शायद आपको नहीं मिला है। एट दी एंड मैंने उसको कहा कि भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ और अगर मैंने ये टॉपिक यहाँ पर डाल दिया तो आपको हो सकता है दिक्कत हो, बहुत सारे व्यूज़ देखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। सो फाइनली उसने हमें जो है वो बोट में जगह दी और उसके बाद में जो है हमारा ट्रिप हुआ। सो गाइस ये देखिए, ये जो आपको मैंने पॉइंट बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको देखना है आपके एजेंट के साथ में आपको जो है वो नाम ये बताना है कि भाई आपने अपना नाम जो है वो आगे भेजा है या नहीं भेजा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि भाई अगर आपके साथ में कोई बच्चा है तो बच्चे का जो है वो जैकेट का एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, यहाँ पर ये लोग बता दें, बट अगर कोई एजेंट के थ्रू आप बुक करो तो पहले ही बता देना अगर आपके साथ में कोई बच्चा जा रहा है जो कि 10 साल के नीचे हो सो उसका कोई चार्जेस लगेगा क्या। चार्जेस मतलब इन द सेंस लाइफ जैकेट का चार्जेस, ट्रिप का चार्जेस नहीं, लाइफ जैकेट का यहाँ पर लोग चार्जेस लेते हैं, बोलते हैं कि भाई ₹500 बच्चे का भी चार्ज लगेगा। बट आप एजेंट से पहले ही डिस्कस कर लीजिएगा कि बच्चे का चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। सो ये आप एजेंट के थ्रू या मतलब जो है अपना ऑफिस के थ्रू अगर आप बुक कर रहे हो, ऑनलाइन बुक कर रहे हो, तो आप पहले ही डिस्कस कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर आने के बाद में आपको कोई शॉक नहीं लगे कि भाई आपको ₹500 अपने बच्चे का भी भरना है, क्योंकि हो सकता है एक बच्चा हो या दो बच्चे हो तो ₹1000 डायरेक्टली हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मतलब स्कूबा डाइविंग में जो है जाने से पहले आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए स्कूबा डाइविंग में जाने के बाद में ऐसी कौन सी चीज़ें या पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो अभी डिस्कस करेंगे और वो शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा गाइस। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो ट्रैवलर्स, अभी जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस किया वो तो था कि मतलब जो आप ग्रैंड आइलैंड या जो स्कूबा डाइविंग का जो ट्रिप है उससे जाने से पहले आपको क्या क्या जो है वो चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जब स्कूबा ड्राइविंग ट्रिप के लिए निकल जाते हो, बोट पर चले जाते हो, उसके बाद में आपको जो है एक घंटे का राइड होता है जो आपका मेन डेस्टिनेशन होता है, यहाँ जट्टी सिंगरिम जट्टी से लेके बोट राइड जोड़ता है कम से कम 45 मिनट से एक घंटे का राइड होता है, जिसमें कि बीच में आपको स्नैक्स वगैरह दिया जाता है, पानी की बॉटल दी जाती है, बनानाज वगैरह और सैंडविचेज वगैरह दिए जाते हैं। सो चलिए ये तो बात हो गई बीच में आपको स्नैक्स वगैरह की। जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हो तो ग्रुप बाय ग्रुप जो है आपको एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो लेकर जाया जाता है, जैसे कि पैरासेलिंग हो गया, जेट स्की राइड, बनाना राइड, फिर बम्पर राइड है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको लेकर जाया जाता है। देखिए अब आपके पैसे कैसे बच सकते हैं और आपको मतलब जो है वो पैरासेलिंग में, खास करके जो है पैरासेलिंग में आपको कैसे या कोई भी एक्टिविटी में आपको जो है वो कैसे आप थोड़ा रिक्वेस्टफुली बात करके थोड़ा से मतलब और ज़्यादा उसका जो है मज़ा ले सकते हैं, मैं आपको ये बताऊँ। देखिए सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि जो भी आप एक्टिविटी करोगे उसमें पर्टिकुलरली आपको बंदे को बोलना पड़ेगा यार थोड़ा हमारे को अच्छा करा दो यार, इतना दूर से आए हैं, मतलब अच्छा नाम सुन के आए हैं और मतलब आप थोड़ा मतलब अगर जेट्स की राइड ही ले रहे हो तो उसको थोड़ा पटा लीजिए, बोल दीजिएगा थोड़ा लंबा एक राइड लेकर आने के लिए, या तो फिर मतलब अगर आप पैरा सेलिंग कर रहे हो, खास तौर पे पैरा सेलिंग की बात कर रहा हूँ कि जो ग्रुप हमारे से पहला पैरा सेलिंग में गया था, हमने देखा कि भाई जो बंदा था उसने हार्डली 10 सेकंड जो है वो पैरा सेलिंग में बंदों को ऊपर हवा में रखा था, हार्डली 10 से 12 सेकंड उसके ऊपर रखा ही नहीं, 10 सेकंड 12 सेकंड रखने के बाद में उतार दिया। तो जब हम लोग सब गए, हम लोग ने ये पहले ही मतलब जो है वो एक्सपीरियंस कर लिया, और जब हम वो बोट में गए तो हमने उस बंदे को बताया कि भाई आप 10 सेकंड रख रहे हो, 12 सेकंड रख रहे हो, इतना पैसा भर के इतना दूर आने से क्या फ़ायदा है, अगर यही करना था तो जो है हम यहाँ पर मतलब बागा या कलंगूट में भी कर सकते थे। सो इतना दूर आके अगर आप 10 सेकंड रख रहे हो हमें पैरा सेलिंग के लिए तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमने उस बंदे को बोला कि यार थोड़ा अच्छा हमें रखो, तो उस बंदे ने थोड़ा माना और फिर हमें 30-35 सेकंड जो है वो पैरा सेलिंग के लिए ऊपर जो है हवा में रखा, तो मतलब थोड़ा अच्छा लगा कि भाई यार दूसरों से सही हो गया अपना, और मतलब 30-35 सेकंड में थोड़ा अच्छा मतलब जो है व्यू भी दिखा, मतलब पैरा सेलिंग का मज़ा भी आया है गाइस। सो ये चीज़ है आपको करना है, आपको बोलना पड़ेगा कि भाई यार थोड़ा लॉन्ग ट्रिप ले लो यार, थोड़ा पटाना पड़ेगा आपको, ये चीज़ है उसके अंदर, वरना कोई भी बंदा आप जाओगे अगर आप चुपचाप रहोगे तो काम नहीं बनेगा आपका, और इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। हाँ, पैरा सेलिंग में आपको अगर डिप वगैरह लगवाना है, आप चाहते हो कि भाई आपको डिप लगाए पानी में, तो वो प्राइस पहले डिस्कस कर लीजिएगा, वरना आप डिप का बोलोगे बाद में बंदा बोलेगा आपको इतना इतना पेमेंट करना है, तो पहले ही पूछ लीजिएगा अगर आपको डिप करना है तो कुछ चार्जेस वगैरह है या नहीं है गाइस। सो ये एक पॉइंट हो गया।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या देखिए अगर कपल साथ में जाते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपके हज़ारों रुपए बच सकते हैं। प्लीज़ इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा गाइस। सो देखिए क्या होता है कि जब कपल स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं तो या तो दोनों कभी कभी, अभी मेरे साथ मैं बताता हूँ, सिंपल आपको बताता हूँ। पहले मैं जो है स्कूबा डाइविंग के लिए अंदर चला गया, मैंने मतलब एक हाफ मिनट या उससे ज़्यादा, मतलब 2 से 3 मिनट मैं जो है अंदर था पानी के अंदर, उसके बाद में मैं ऊपर आ गया, उसके बाद में मेरी वाइफ जो है वो चली गई और वो मतलब स्कूबा डाइविंग उसने कर लिया, तो हम लोग ने सेपरेट किया। अब इसमें होता क्या है कि हमारे बाद में एक कपल थे, वो लोग दोनों साथ में चले गए और वो लोग दोनों साथ में जो है वो स्कूबा डाइविंग करके, इसमें सबसे बड़ा उनका फ़ायदा क्या हो गया कि जब भी आप स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हो तो अंदर पानी के अंदर जो है आपका वीडियो शूट किया जाता है, जिससे कि मतलब आपको कोई चार्जेस नहीं रहता है, वीडियो शूट आपको जो है व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेज दिया जाता है, वो एक मेमोरी रहती है। अब इसमें क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल कोई कपल्स जाते हैं साथ में और वो बोलते हैं कि मतलब उनको दोनों को साथ में अपना फ़ोटोशूट अंदर पानी के अंदर स्कूबा डाइविंग करते हुए निकालना है, तो बंदे लोग एक्स्ट्रा सिर्फ 200 रुपया लेते हैं, मतलब 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेंगे, बोलेंगे कि मतलब आपको साथ में करवाना तो उसका एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ लगता है। सो 200 रुपीज़ के ऊपर देना भी ना, अगर बंदा कोई 500 बोला तो उसको बोल देना भाई 200 रुपये में काम हो जाएगा, सो मान भी जाएंगे। अब हमारे साथ क्या दिक्कत हो गई थी, हमने पूरा मतलब सेपरेट कर लिया, हम लोग वापस बोट में आ गए और फिर हमें ये बात पता चली, तो हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा भी साथ में यार फ़ोटो निकाल दो, हमारा साथ में मतलब वीडियो निकाल दो, तो बंदे ने डायरेक्ट हमें 1500 रुपया बोला। तो मैंने बोला यार 1500 रुपया तो बहुत ज़्यादा है, अभी आपने करवाया 200 रुपये में और अभी हम लोग से 1500 रुपये में। तो उसने बोला कि सर आप कर लियो आपका जो मतलब जो स्कूबा डाइविंग है वो तो आपने कर लिया, वापस से अभी आपको अगर स्कूबा डाइविंग के लिए ही जाना है तो इतना भरना ही पड़ेगा। तो दो लोगों का उसने बताया कि 1500 रुपये लगेगा आपको साथ में अगर वीडियो शूटिंग करवाना है पानी के अंदर। तो हम लोग ने उसको बहुत बार्गेन किया और 1000 रुपये पर लेकर आए और फिर 1000 रुपये में मेरी और मेरी वाइफ का हम लोग ने जो है वो वीडियो निकलवाया, मतलब साथ में अंदर वीडियो जो है स्कूबा डाइविंग का। तो हमारा 1000 रुपीज़ निकल गया, लेकिन ये 1000 रुपीज़ आपका ना जाए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अगर कपल्स साथ में जा रहे हैं तो प्लीज़ साथ में स्कूबा डाइविंग के लिए जाइए, मज़ा भी आता है, आनंद रहता है, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा गाइस, और एक मेमोरी बन जाएगी कि आपने साथ में जो है वो स्कूबा डाइविंग किया है पानी के अंदर, और आपका जो है वीडियो शूट भी आपको मिल जाएगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गाइस जो कि मुझे मतलब डिस्कस करना था, वीडियो थोड़ा लंबा है बट यार डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसे आगे भी जो है वो शेयर करिएगा गाइस, आपको बहुत मदद मिल सकती है। इतना डिटेल में कोई भी मतलब जेटी पर आकर कोई भी आपको ऐसा व्यू मतलब या कोई भी आपको इतना डिटेल में नहीं बताएगा गाइस वीडियो। सो प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर करिएगा और यार अपने भाई को सपोर्ट करो जैसे कि आप लोग कर रहे हो, आगे भी सपोर्ट करो, चैनल को बढ़ाओ, फैमिली को बढ़ाओ यार गाइस, मैक्सिमम जो है वो शेयर्स कर दिए और अपने जो है मोबाइल पे स्टेटस पर या फेसबुक पर फ्रेंड्स को जो है वो शेयर करिएगा गाइस मेरा वीडियो। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब और टिल देन टेक केयर, मा सलाम।